नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। आजादी के 70 साल भले ही गुजर गए हों, लेकिन कई जगह ऐसी भी हैं जहां पर आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हालांकि सुविधाएं उन तक पहुंच चुकी हैं, लेकिन आलम यह है कि उन सुविधाओं का रख रखाव न होने की वजह से ग्रामीण जन काफी परेशान है। मामला कटनी जिले का है, जहां पर गाँव में 15 दिनों से विद्युत नहीं है। शिकायत किए जाने के बाद भी कोई असर कर्मचारियों या अधिकारियों पर नहीं हो रहा। ग्राम पंचायत तिहारी के निवासी ग्रामीण पिछले 15 दिनों से बिजली की समस्या से परेशान हैं। गांव में लगे 3 ट्रांसफार्मर बंद पड़े हैं, जिसकी शिकायत कई बार विद्युत विभाग सलीमनाबाद को की गई, लेकिन विभाग में बैठे आला अधिकारी सुनने को तैयार नहीं। आलम यह हो गया है कि खाने के लिए गेहूं भी 5 किलोमीटर दूर सलीमनाबाद से पिसवा कर लाना पड़ता है। बारिश के मौसम में मच्छरों के काटने की वजह से गांव में बूढ़े और बच्चे आए दिन बीमार पड़ रहे हैं। चारों तरफ अंधेरा पसरा है, जबकि रात के समय सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़े काटने की घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि बिजली का बिल तो विभाग द्वारा समय पर दे दिया जाता है, लेकिन जब किसी समस्या की बात होती है तो 15-15 दिन तक कोई भी सुनवाई नहीं होती। एक ओर सरकार बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रही है, ऐसे में लाइट न होने से बच्चे ऑनलाइन कैसे पढ़ाई करेंगे। इस मामले में जब क्षेत्रीय विधायक प्रणय पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ग्रामीणों द्वारा जो शिकायत की गई है उसके बाद संबंधित विभाग को तुरंत कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है। 1 या 2 दिन में निराकरण करने का प्रयास जारी है। ट्रांसफार्मर दे रहे हैं 3 गाँव के। कब से? आज 9 दिन हो गए। इसकी आपने कहीं कंप्लेन वगैरह की? जबलपुर कंप्लेन किया 1912 में, 181 में भोपाल, दोनों जगह कंप्लेन कर चुके हैं। और यहाँ विद्युत वितरण कंपनी तो में उनके यहाँ की रिपोर्ट चली गई, जो कह रहे हैं हम नहीं लगाएंगे। क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हैं कि हम नहीं लगाएंगे, बस आगे कोई बातें नहीं करते। तो पूरे गाँव में लाइट नहीं है? पूरे गाँव में 3 ट्रांसफार्मर खराब है, चक्कियाँ बंद है। नए सुबारों में कंप्लेन की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितने दिन से जो है टूटी हुई? 3-4 महीने हो गए। तो गांव की लाइट आ रही है? गांव की लाइट नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? नहीं आ रही, ऊपर से बंद है, कभी आती है कभी नहीं आती, वो भी मध्य आती है। और यहां पे क्या कुछ ट्रांसफार्मर बताए? ट्रांसफार्मर 3 ट्रांसफार्मर जली हुए हैं, उनकी भी शिकायत बहुत दिन की गई है, वो भी नहीं लग रहे। विद्युत मंडल वाले साहब मना कर रहे हैं कि हम नहीं बनाएंगे। विधायक से भी शिकायत की, विधायक भी कोई ध्यान नहीं दे रहा। सलीमनाबाद से पिसवा के लाते हैं, रात में सांप, गहोरो, बिच्छू निकले, यदि किसी को काट जाए तो कौन जिम्मेदार होगा।